कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र में गांव सिरसिया के टोला पिपरी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रेलर पर ले जाई जा रही ऊंची मूर्ति हाई वोल्टेज धारा प्रभावित हो रहे बिजली तार के संपर्क में आ गई। मूर्ति संभालने के लिए वाहन पर सवार पिता पुत्र करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तो वहीं पूरे गांव में मातम छा गया। बता दें, गांव में जन सहयोग से दीपावली पर्व पर परंपरागत रूप से देवी लक्ष्मी व गणेश की मूर्ति रखकर 5 दिन पूजन अर्चन का कार्यक्रम चला, जिसके बाद विसर्जन के लिए हेतिमपुर छोटी गंडक के लिए ले जाने के लिए गाँव में ट्रेलर ट्रैक्टर पर रखकर मूर्ति घुमाई जा रही थी। इस दौरान हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये दो लोगों की मृत्यु हुई है, कौन लगते हैं आपके? एक मेरा भाई है, मेरा पिता है। ये कैसे मौत हुई है? मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे जी। वो लाइट थोड़ा मतलब उठी था, नीचे था। अच्छा। मेरा भाई गया उठाने के लिए तार को बांस से, इसी समय उसको लाइट मार दिया। मेरे पिताजी पकड़ने उसको गए, तब तक उनको भी मार दिया लाइट। वो भी उसके चपेट में आ गए? हाँ, वो भी उसके चपेट में। ये कब की घटना है? ये लगभग 4 बजे के। कल की घटना है? कल का। ग्रामीणों का आरोप बिल्कुल सत्य है कि 11,000 वोल्टेज का तार इतना नजदीक है, जैसे लग रहा है कि कोई अपने घर में केबल ले गया है। तो ये तो घटना होना ही था एक ना एक दिन। जिस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी जिस तरह से घोर लापरवाही किए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और बिजली विभाग को इस परिवार को और दोनों मौतों पे कम से कम 10-10 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि ये कमाने वाले लोग, पिता की उम्र 45 से 50 साल की, लड़के की उम्र 17 से 18 साल, बिल्कुल दोनों नौजवान, घर में कमाने का कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए इनको बिजली विभाग की तरफ से पूरी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, पूरा इनको मुआवजा मिलना चाहिए और अविलंब जो तार नीचे है उसको ऊपर किया जाए, नहीं तो जो लोगों का आक्रोश है यह निश्चित तौर पर। यहाँ जो मृत्यु हुई है, कल हम लोग मूर्ति लेकर जा रहे थे और उस पर 2 DJ था, 2 ही था मात्र, और मूर्ति थोड़ा बड़ा था, बांस लेकर 2 बच्चे खड़े थे, ऐसे उठाए ना तो क्या हुआ, तार उस पर से छटक गया, बस तार नीचे आ गया और थोड़ा सा टेलर में जैसे भी टच हुआ, बस टच हो गया, बस इसी के कारण मृत्यु हुई है और 2-4 लोग बचाने पर भी घायल हो चुके हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका क्या क्या नाम है? जिनका मृत्यु हुई है उनके पिता का नाम श्री गुलाब यादव था और उनके सपुत्र का नाम अंगद यादव था।